हेलो गाइस, कैसे यहाँ पर जो रंग देख ले, ये होली का रंग है, ये मत सोचना कि ये खून है। ओके, हाँ, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9 मोस्ट कॉमन रैबिट मिथ के बारे में, क्योंकि रैबिट के लिए नॉर्मल इंसानों के मन में काफ़ी ज़्यादा मिथ्स होते हैं, और जो पेट्स के ऊपर इंटरेस्ट रखते हैं या फिर जिनके पेट शॉप से, उनको पता है कि ये सारे मिथ्स है, ये जो है असल में नहीं होते, ये सारे मिथ है। तो आज हम 9 कॉमन मिथ्स के बारे में जानने वाले हैं रैबिट के। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मिथ नंबर 1, बहुत से लोग सोचते हैं जो खरगोश होते हैं उनके जो मेंटेनेंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है। रियलिटी वैसे तो हालांकि खरगोशों को डॉग की तरह वॉक की ज़रूरत नहीं होती है, पर उनके जो डाइट में रोज़ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मिलने चाहिए, और उनको फ्रेश वाटर, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रीन फ्रूट्स रोज़ ही देने चाहिए। इससे आपका जो खरगोश है वो हमेशा हेल्दी रहेगा। इससे आपका जो खरगोश का जो मेंटेनेंस है वो लो हो सकता है, और जो सब्ज़ी दे जाएंगे वो एकदम फ्रेश, अच्छे से धो, पानी से जो है साफ करके देना आप। मिथ नंबर 2, बहुत से लोग सोचते हैं खरगोशों को अगर बैकयार्ड में पाला जाए तो वो बाहर रहते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। रियलिटी अगर वो बैकयार्ड में रहते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा ख़राब मौसम का भी जो है सामना करना पड़ता है, जैसे कि बारिश, तूफान वगैरह से भी उनको जूझना पड़ता है, और जो है कभी कभार जो है मच्छर मक्खियाँ वहाँ पर आ जाते हैं तो उनके जो है जो बीमारी से भी उनको जूझना पड़ता है। तो आप बैकयार्ड में आप खरगोशों को मत पालना, आप घर में केज में पालना, पर उनके लिए सबसे बड़ा केज लेके आना और अपने फैमिली मेम्बर के हिसाब से उनको पालना। मिथ नंबर 3, बहुत से लोग सोचते हैं जो खरगोश होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बैड स्मेल करते हैं, पर रियलिटी उनके केज में आप एक जो है बक्सा रख देना जहाँ पर कि वो जाके टॉयलेट पोटी करेंगे, क्योंकि खरगोश कोई परमानेंट जगह पर जाकर पोटी सुसु करता है, और उस बक्से को आप रोज़ साफ़ करना और धूप में रख देना, सूखने के बाद फिर से केज में रख देना। इससे आपका जो है केज जो है केज से कोई बैड स्मेल नहीं आएंगी। हाँ, बनी यानी कि जो बच्चे खरगोश होते हैं वो थोड़े से बैड स्मेल कर सकते हैं क्योंकि वो थोड़े से गंदे होते हैं, पर जब खरगोश बड़े हो जाते हैं तो वो किसी भी हालत में अपने घर को गंदा नहीं करना चाहते। और अगर आप अपने केज को रोज़ साफ करते हैं और अपने बनीस को बांट देते हैं तो कभी भी जो आपके केज से बैड स्मेल नहीं आएंगे। मिथ नंबर 4, बहुत से लोग सोचते हैं रैबिट्स को वेट की कोई ज़रूरत नहीं होती है जैसे कि डॉग्स और कैट्स। और हाँ, ऐसा है कि रैबिट को डॉग्स और कैट की तरह वैक्सीनेशन नहीं चाहिए होता है, पर रैबिट्स को जो है मंथ में एक बार ज़रूरी जो है वेट के पास ले जाना चाहिए चेकअप के लिए। इस तरह थोड़ा छोटा जो उनका अगर कोई बीमारी है तो उनका पता चल जाता है। और अगर आपके पास मेल फीमेल का पेयर है तो आपको दोनों को ही एक बार ले जाना चाहिए वेट के पास, और वेट के पास ले जाने के बाद उनको न्यूट्रलाइट करवाना चाहिए। न्यूट्रलाइट करने से आपका जो मेल रैबिट रहेगा वो दूसरे रैबिट के साथ फाइटिंग नहीं करेगा और सबके साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो जाएगा, और न्यूट्रलाइट करने से आपका जो फीमेल रैबिट रहेगा वो प्रेगनेंसी के समय कभी कभार जो रैबिट्स को, फीमेल रैबिट्स को जो है यूरिन कैंसर हो जाती है, तो वो सबसे जो है न्यूट्रलाइज उनको बचा के रखेगा। और 50% जो है रैबिट जब बड़े हो जाते हैं तो उनके उसके बाद धीरे धीरे उनको काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी बीमारी जो है होती रहती है, तो उनसे न्यूट्रलाइज आपके रैबिट को बचा सकता है। मिथ नंबर 5, बहुत से लोग सोचते हैं कि आप अगर हाथ में खरगोश लेकर उसे प्यार करते हैं तो वो आपको काटेगा नहीं, पर रियलिटी में खरगोश तो किसी को बेवजह काटते तो है नहीं, पर अगर उसको कोई डेंजर फीलिंग होता है तो वो अपने केज में जाने के लिए आपको बाइट कर सकता है। और अगर वो अनयूटिलाइज जो है खरगोश होते हैं तो खरगोश जो है काफ़ी ज़्यादा अपने टेरिटरी के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ईमानदार होते हैं, वो उनके जो है टेरिटरी में कोई आए वो पसंद नहीं करते, और अगर उनके टेरिटरी में कोई घुस जाते वो उनको डायरेक्ट काट देते हैं ताकि वो मालिक अपने मालिक हो या फिर कोई और हो। और अगर वो न्यूट्रलाइट जो है रैबिट है तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, आप उनको हाथ में लेकर प्यार कर सकते हैं। मिथ नंबर 6, बहुत से लोग सोचते हैं खरगोश का जीवन काल काफ़ी ज़्यादा कम होता है, 1 से लेकर 2 साल तक,
पर रियलिटी में खरगोश को अगर अच्छे से देखभाल किया जाए तो वो 60 से लेकर 10 इयर्स तक भी जी सकते हैं। वो ये हूबहू डॉग्स के लाइफ स्पैन की तरह होता है। इनको अगर अच्छे से केयर किया जाता है तो ये 10 इयर्स तक ही आराम से जी सकते हैं, और कुछ कुछ तो ओल्ड होने के बाद भी एक्स्ट्रा 1 से लेकर 2 इयर्स आराम से जी लेते हैं। मिथ नंबर 7, बहुत से लोग सोचते हैं जो बौने खरगोश होते हैं वो किसी को काटते और स्क्रैचेस नहीं करते, पर रियलिटी खरगोश के जो पैर होते हैं उनको स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है जो है कूदने के लिए और दौड़ने के लिए, इसलिए खरगोश काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से दौड़ते और कूद पाते हैं। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है जो बौने खरगोश होते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा फुर्ती वाले होते हैं, इसलिए खरगोश को पालने के लिए उनके साइज से थोड़ा ज़्यादा साइज की केजने की कोशिश करना, जिससे कि आपका जो खरगोश होगा ताकि वो बौना हो या नॉर्मल खरगोश हो वो वहाँ पर खेल सके या फिर प्रॉपर अपना एक्सरसाइज कर सके। मिथ नंबर 8, बहुत से लोग सोचते हैं कि वो अगर 2-3 दिन के लिए बाहर घूमने जाते हैं तो वो अपने खरगोशों को 1-2 दिन के लिए ऐसे घर में अकेला छोड़ सकते, पर रियलिटी खरगोश को कभी भी ऐसे 2-3 दिन के लिए अकेला घर में छोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि खरगोश को हमेशा देखभाल करनी पड़ती है कि वो ठीक से खाना खा रहे कि नहीं, वो कैसे हैं, वो पहले की जैसे प्लेफुल है कि नहीं, और जो है खरगोशों को रोज़ साफ़ करना पड़ता है। और अगर वह 2-3 दिन के लिए जाते हैं तो 2 दिन में जो बहुत सारे वो पॉटी करेंगे उससे काफ़ी ज़्यादा जो है बैस में लानी शुरू हो जाएगी, और उस बैस पर आपका जो रैबिट होगा उसका तबीयत ख़राब हो सकता है, इसलिए आप मैक्सिमम जो है अपने खरगोश को अकेला रख के 1 दिन के लिए जा सकते हैं, उससे ज़्यादा आप रख के अब घर पर खरगोश को कहीं पर नहीं जा सकते हैं। मिथ नंबर 9, बहुत से लोग सोचते हैं जो खरगोश के जो डाइट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईजी होते हैं, आप कुछ भी दे देंगे तो वो खा लेंगे। रियलिटी खरगोश अपना खाना डिसाइड करते हैं कुछ घास भूस और कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स से, उनको जितना ज़्यादा हो सके घास देने की कोशिश करना, कि घास उनका जो है मेन फ्रूट होते हैं, और बाकी आप हफ्ते में मैक्सिमम 2 दिन उनको वेजिटेबल एंड फ्रूट दे सकते हैं। आप अल्फा अल्फा जैसे कि घास दे सकते हैं अपने रैबिट्स को, और पैलेट्स जितना कम हो सके उतना देने की कोशिश करना, क्योंकि पैलेट्स रैबिट के लिए उतने अच्छे नहीं होते हैं, उनका जो मेन खाना होता है वो है ग्रीन हरी घास। गाइस आज के वीडियो का एंड आ चुका है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ठोक के लाइक मारिए और शेयर कीजिए, और अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, पास होने वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का सिंपल बदल दीजिए ताकि ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।